एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एवीएफ जर्नी पर। जो है अब मेरा जो है नेक्स्ट टॉपिक ये है ट्विन प्रेगनेंसी को लेकर, कि ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर जो है कितने अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं। देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड्स कम किए जाते हैं, लेकिन आईवीएफ प्रेगनेंसी के अंदर अल्ट्रासाउंड्स ज़्यादा किए जाते हैं। और अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें कुछ और भी ऐड हो जाता है, तो इसमें आज मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, बेटा एससीजी आपका पॉजिटिव आ जाता है, तो सबसे पहला आपका अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 6 वीक के बाद अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी या सिंगल प्रेगनेंसी है। तो अगर आपको सिंगल प्रेगनेंसी है तो भी, और ट्विन प्रेगनेंसी है तो भी, उसके बाद फिर से आपको 7 या 8 वीक में बुलाया जाता है, जिसमें बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है। तो कहीं पर ऐसा होता है कि 6 वीक में ही जब हम ये देखते हैं कि ट्विन्स या सिंगल प्रेगनेंसी है तो बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, लेकिन कई बार हमें 1 हफ्ता या 2 हफ्ता वेट करना पड़ सकता है हार्ट बीट के लिए। तो जब हमें ये चीज़ पता चल जाती है तो उसके बाद ट्विन प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड्स का और नॉर्मल को क्या डिफरेंस है। देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर 1 या 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं, आईवीएफ के अंदर हमें बहुत सारे स्कैन्स कराने पड़ सकते हैं। आजकल नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर भी होता है, लेकिन आईवीएफ में हम किसी के ऑब्जर्वेशन के अंडर होते हैं, जिसमें हमें वो जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और ट्विन प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। और ट्विन प्रेगनेंसी कितने टाइप की होती है ये भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। इसमें भी जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएँ तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर अल्ट्रासाउंड जो है स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड जो है वो नॉर्मल 1 अल्ट्रासाउंड होगा, लेकिन उसके बाद हार्ट बीट के लिए अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद आपका एनटीएनबी स्कैन होगा। अल्ट्रासाउंड जो है इसके अंदर आपको कई बार जो है जैसे कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आईवीएफ के अंदर अल्ट्रासाउंड मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं कि अल्ट्रासाउंड कितने होते हैं, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर वो बढ़ क्यों जाते हैं। जैसे कि आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर आपको साथ के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए बोलेंगे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक चल रही है, उसकी हार्ट बीट ठीक चल रही है, तो टेंशन लेने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए ट्विन प्रेगनेंसी में वो कभी हमें अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है, उसमें हर एक बच्चे की चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें बच्चे की अलग अलग जो है देखना पड़ता है कि वो अलग अलग हैं या नहीं, उनकी किस टाइप की प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। कई बार ऐसा होता है एक बच्चा ठीक चल रहा होता है, दूसरे बच्चे में प्रॉब्लम आने लग जाती है। आगे आगे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ने शुरू हो जाती है तो कई बार हार्ट बीट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कई बार जो है बच्चे की, एक बच्चा मूवमेंट कर रहा होता है, एक बच्चे का पता ही नहीं चलता हमें, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है, जैसे मेरे साथ हुआ, मुझे पता ही नहीं चलता था कि 2 की मूवमेंट हो रही है, 1 की मूवमेंट होती है। मुझे लास्ट में 9th मंथ में जाकर, 8th के लास्ट में जाकर मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ कि दोनों की जो है वो किस तरह से मुझे महसूस करना है कि दोनों जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। हमें मुझे 8 मंथ के मिड तक ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलती थी। तो उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड कई बार हमें ज़्यादा बोल देते हैं। मुझे उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड बोल दिया गया था। कई बार ऐसा था कि मुझे मूवमेंट फील नहीं होती थी, मुझे नहीं पता चलता था कि किस टाइप की मूवमेंट होनी चाहिए, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, ब्लीडिंग के बीच में मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए हैं। तो इसीलिए आईवीएफ में तो अल्ट्रासाउंड होते ही हैं ज़्यादा, लेकिन अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें ये अल्ट्रासाउंड इन वजह से हमारे बढ़ जाते हैं। तो इससे हमारे अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड में हमारे जो है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जैसे सिंगल प्रेगनेंसी जो होती है तो उसके अंदर जो कॉस्ट होती है अल्ट्रासाउंड की, उससे डबल पैसे लिए जाते हैं इसमें, जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए अल्ट्रासाउंड होते हैं। और जब हमारे लास्ट मंथ चल रहा होता है तो उसमें और भी ज़्यादा अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि दोनों बच्चों के वेट की देखना बहुत ज़रूरी होता है, दोनों बच्चों की हार्ट बीट, दोनों बच्चों की मूवमेंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वो एक ही, मतलब कि आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कितने टाइप की ये प्रेगनेंसी होती है, अगर वो एक ही थैली के अंदर, तो और भी ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं आपके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। आईवीएफ में वो कोई भी रिस्क, जब आईवीएफ का नाम हम सुनते हैं जहाँ से हम डिलीवरी करवाने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इस तरह से कई बार नॉर्मल होते होते भी हमारा
ऑपरेशन हो जाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसीलिए ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपके अल्ट्रासाउंड्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड से ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इससे हमारे बेबी को कोई नुकसान होगा, तो ये आपके लिए बेटर ही रहेगा। अगर आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है, आपके बेबी की हार्ट बीट ठीक चल रही है, अगर आपको ब्लीडिंग भी हो रही है तब भी आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कब कब अल्ट्रासाउंड हुआ, या अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।